नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन इस वर्चुअल कक्षा में बैठे हुए सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। उनके साथ बैठे हुए सभी प्राध्यापकों का भी अभिनंदन स्वागत। आज हमारा जो विषय है वह है नैतिक मूल्य और भाषा। इसमें भी हम प्रति इकाई में भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ पढ़ेंगे। भोलाराम का जीव हिंदी व्यंग रचना है। हरिशंकर परसाई का जन्म होशंगाबाद जिले में सन 1924 में 22 अगस्त को जमानी गांव में हुआ था। उन्होंने नागपुर से एमए तथा सन 1958 में जबलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। सन 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए और सन 1962 में विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के नाते रूस की यात्रा की। हरिशंकर परसाई ने नाटक, कहानी और व्यंग लिखे हैं, पर सबसे ज्यादा उनके व्यंग ही प्रसिद्ध हैं। उनके प्रकाशित कृतियों में हम देखें हंसते हैं, रोते हैं, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, उल्टी सीधी और अंत में ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, यह उनके व्यंग संग्रह है। अपनी अपनी बीमारी, तिरछी रेखाएं, वैष्णव की फिसलन, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, एक लड़की, पांच दीवाने, विकलांग श्रद्धा का दौर, पाखंड का अध्यात्म, दोनों नाक वाले, काग भगोड़ा, प्रतिनिधि व्यंग, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, रिटायर्ड भगवान की कथा, हम एक उम्र के वाकिफ हैं। उन्होंने वैसे स्वतंत्र लेखन किया और जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का कई वर्षों तक प्रकाशन भी किया। जबलपुर से ही प्रकाशित पत्र प्रहरी में उदार नाम से अपना लेखन प्रारंभ किया था। बाद में पत्रकारिता के स्तंभ लेखक के रूप में जुड़े ही रहे और अंत में कल्पना, कबीरा खड़ा बाजार में, सारिका, मैं कहता आंखन की देखी, माया, माटी कहे कुमार से, हिंदी करण, सुनो भाई साधो, नई दुनिया, पांचवा कालम, नई कहानियां, जैसे स्तंभों में परसाई जी का सघन व्यंग विस्तृत होता रहा। और वैसे भी कहा जाए तो हरिशंकर परसाई ने मध्यम वर्ग की आवाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हरिशंकर परसाई का की मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। रविंद्रनाथ त्यागी के अनुसार तो आजादी के पहले का हिंदुस्तान जानने के लिए सिर्फ प्रेमचंद को पढ़ना काफी है, उसी तरह आजादी के बाद के भारत का पूरा दस्तावेज परसाई जी की रचनाओं में सुरक्षित है। अब जब हम व्यंग विधा की बात कर रहे हैं तो प्रश्न ये पैदा होता है कि व्यंग किसे कहते हैं। हिंदी में व्यंग, विकृति, व्यंग, उपहास, ये चार शब्द सेटायर के लिए प्रचलित है। और वैसे भी सेटायर को पर्याय स्वरूप व्यंग के अत्यधिक उपयुक्त माना जाना चाहिए। व्यंग वह होता है जिसमें लेखक किसी और को माध्यम बना करके बात को कहता है, जिससे सामने वाले को भी सारी बातें समझ में आ जाती हैं। डॉक्टर धनंजय वर्मा के अनुसार तो सच्चे और सार्थक व्यंग की वह ताकत होती है कि वह मूल्यों की आपाधापी और संक्रांति का चित्र ही नहीं देता, नए मूल्यों की तलाश और उनकी ओर इशारा भी करता है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं भोलाराम के का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में निवास स्थान अलाट करते जा रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। चित्रगुप्त बार बार रजिस्टर के पन्ने
पलट पलट करके देख रहे थे पर गलती कहीं पकड़ में आ नहीं रही थी। सारा रिकॉर्ड सही था। उसमें यह भी था कि 5 दिन पहले भोला राम के जीव ने अपने देह को त्यागा और इसके बाद पता नहीं वह कहां गायब हो गया। वही गायब नहीं हुआ, उसको लेने के लिए जो यमदूत गया हुआ था वह भी अभी तक नहीं लौटा था। चित्रगुप्त कहते हैं कि पृथ्वी पर आजकल अनेक तरह के व्यापार चलने लगे हैं। लोग अपने दोस्तों को फल भेजते हैं और उन्हें रेलवे वाले बीच में ही उड़ा लेते हैं। इसी समय द्वार खुलता है और यमदूत वधावासा अंदर घुसता है। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परेशानी और भय से और भी ज्यादा कुरूप हो जाता है। चित्रगुप्त उससे पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ रहे। तब वह बताता है कि मैं क्या बताऊं, 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा तो मैं उसकी आत्मा को लेकर शहर के बाहर जैसे ही एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, पता नहीं कैसे मुझे वह आत्मा चकमा दे गई। 5 दिन में मैंने पूरा ब्रह्मांड छान मारा पर मुझे कहीं नहीं मिली। धर्मराज गुस्से से बोलते भी हैं, मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर तुझसे एक भोला राम की आत्मा को लाते नहीं बना। तो दूत कहता है कि ऐसा नहीं है महाराज, मेरी सावधानी से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, फिर पता नहीं इस आत्मा ने मुझे किस तरह से चकमा दे दिया है। चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज आजकल पृथ्वी पर अजीब तरह का व्यापार शुरू हो गया है। लोग अपने मित्रों को कुछ सामान भेजते हैं और उन्हें रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। वहीं पर हौजरी से पहने हुए मोजे रेलवे वाले पहना करते हैं। हौजरी के मोजे रेलवे वाले पहना करते हैं। और तो और आजकल मालगाड़ी के डब्बे ही रास्ते में कट जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि विरोधी दल के लोग विरोधी पार्टी के नेताओं को भी उड़ा करके बंद कर देते हैं। तभी नारद कहीं से घूमते हुए आते हैं और वो पूछते हैं कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? तो धर्मराज कहते हैं, नरक में निवास स्थान की समस्या तो कभी की हल हो गई है, क्योंकि नरक में बहुत सारे गुणी कारीगर आ गए हैं, ओवरसियर आ गए हैं, ठेकेदार आ गए हैं, जिन्होंने पूरा पैसा लेकर के बिल्डिंग यहाँ पर बना दी है, कागजों पर काम हुआ है। और तो और जो लोग कभी काम करने गए ही नहीं उनकी हाजिरी का पैसा भी लगाकर उन्होंने पैसा खाया है। तो अब ये सारी समस्याएं यहाँ नहीं रही, पर अगर आत्मा इसी तरह से चकमा देती रही तो इस पृथ्वी से पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनकम टैक्स उसके ऊपर बकाया हो? तो पता चलता है कि इनकम होती तो टैक्स लगता, भुखमरा था। नारद को लगता है कि मुझे जाकर के उस आत्मा को ढूंढना चाहिए। वह उससे कहते हैं, मैं जाना चाहता हूं। तो चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताते हैं कि भोला राम नाम था उसका, जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक डेढ़ कमरे के टूटे फूटे मकान में 2 लड़के और 1 लड़की के साथ वह रहता था। उम्र उसकी लगभग 65 साल थी, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। अगर मकान मालिक वास्तव में मकान मालिक होगा तो उसने उसे अभी तक निकाल दिया होगा, क्योंकि भोला राम ने 1 साल से उसके मकान का किराया नहीं दिया था और वो उसको निकालना चाह रहा था, तभी भोला राम की मृत्यु हो गई। आप जब वहां जाएंगे तो हो सकता है आपको ढूंढने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़े। नारद
स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं और जबलपुर के घमापुरे मोहल्ले में जिस जगह बताया गया था वहां पहुंचते हैं। एक घर से माँ बेटी के सम्मिलित रोने की आवाज सुनाई देती है, उससे वह समझ ही जाते हैं कि यही घर होना चाहिए और वह नारायण नारायण कहते हैं। तभी बेटी बाहर आती है और वह बोलती है, बाबा आगे जाओ। तब नारद कहते हैं कि मैं भिक्षा मांगने नहीं आया बेटी, मुझे भोला राम के बारे में कोई बात करनी थी, अपनी माँ को बुलाओ। वह उसकी माँ से पूछते हैं अर्थात भोला राम की पत्नी से कि भोला राम की मृत्यु कैसे हुई, क्या बीमारी थी। तो पत्नी बोलती है, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। नारद कहते हैं कि क्या करोगी माँ, उनकी उम्र इतनी ही थी। तो भोला राम की पत्नी कहती है, ऐसा नहीं है, अगर उनकी पेंशन का प्रकरण सुलझ जाता, अगर हमें पेंशन मिल गई होती तो हम वो कुछ दिन और जी लेते, 60-65 रुपए पेंशन मिलती और हम कुछ और काम कर लेते। पेंशन के लिए हम 5 साल से भटक रहे हैं, हर दिन वो ऑफिस में जाते थे, एक एप्लीकेशन देकर आते थे, पर कुछ हुआ नहीं। हमने धीरे धीरे अपने स्वयं के सारे जेवर बेच करके खा गए हैं, घर में जो भी सामान था उसे भी हम बेच चुके हैं। नारद को इस व्यथा कथा सुनने की फुर्सत नहीं थी। वह उससे पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं उनका जी किसी और से यहाँ लगा हो। तो वो बोलती है कि महाराज जी किससे लगेगा, अपने बाल बच्चों से और पत्नी से। तो नारद बोलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी महिला से उनका दिल लगा हो। पत्नी को यह सुनकर के अच्छा नहीं लगता है और वह कहती है, ऐसा नहीं है। तब नारद हंसकर बोलते हैं, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। नारद की बात वे उस स्त्री को समझ में नहीं आ पाती है और नारद उसके गुस्से से बच जाते हैं। जब नारद जाने लगते हैं तो स्त्री कहती है कि महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, आप हमारे पेंशन का प्रकरण सुलझा दीजिए, जिससे कुछ हम मेरे बाल बच्चों को भी कुछ जीने का आधार हो जाएगा। नारद कहते हैं, यहाँ मेरा कोई मठ तो है नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। पर फिर भी नारद को दया आ जाती है और वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मैं कुछ करके देखता हूँ। नारद ऑफिस जाते हैं और एक बाबू के सामने जाकर के अपनी बात को रखते हैं। तो बाबू कहता है, भोला राम ने दरख्वास्त तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी, फिर भी ठीक है, आप दूसरे बाबू के पास चले जाइए। इस तरह से नारद एक बाबू से दूसरे बाबू, दूसरे बाबू से तीसरे बाबू, चौथे बाबू, इस तरह से 25-30 बाबुओं के पास घूम आते हैं, पर फिर भी पेंशन प्रकरण हल नहीं हो पाता है और सब जगह एक ही बात कही जाती है कि भोला राम ने अपनी दरख्वास्तों के ऊपर वजन नहीं रखा होगा। नारद को लगता है इतने सारे पेपर वेट हैं, इनसे क्यों नहीं दरख्वास्तों को दबा दिया जाता है जो यहाँ वहां उड़ रही हैं। तो नारद की बात, या कहना चाहिए नारद को ऑफिस की बात या ऑफिस के कल्चर के बारे में समझ में नहीं आता है। बाबू हंसता है, बोलता है, आप साधु हैं, आप कहाँ इस सब झंझट में पड़ गए। भोला राम ने अगर वजन रखा होता तो शायद ये सारे काम हो जाते। चपरासी जब उनको देखता है कि नारद एक बाबू से लेकर 20-25 बाबुओं के पास जा चुके हैं, तो वे बोलते हैं, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, अगर आप यहाँ साल भर भी चक्कर लगाते रहे तब भी आपका काम नहीं होगा, और आप अगर बड़े साहब को मना लेते हैं, पटा लेते हैं, या कहना चाहिए वो आपकी बातों से सहमत हो जाते हैं, तब ही कुछ हो सकता है।
नारद साहब के पास जाते हैं और बिना विजिटिंग कार्ड अंदर भेजे सीधे चले जाते हैं। साहब उन्हें इस तरह से आया हुआ देख करके बहुत नाराज होते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने कोई चिट क्यों नहीं भेजी। तो नारद जी बोलते हैं कि चिट कैसे भेजता, बाहर चपरासी ऊंघ रहा है। साहब उनको कहते हैं इसे क्या कोई मंदिर वंदिर समझ लिया जो यहाँ धड़धड़ाते चले आए। नारद अपनी पूरी बात को रखते हैं तो वो साहब कहते हैं आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज को नहीं जानते हैं। असल में दफ्तर भी एक मंदिर ही होते हैं, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है, एक ही बात को कई जगह लिखनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के पेंशन प्रकरण सुलझ पाता है। भोला राम ने दरख्वास्तें भेजी होंगी पर उनके ऊपर वजन नहीं रखा होगा। नारद को लगता है यहाँ भी वही समस्या है वजन की। तो साहब उन्हें समझाते हैं कि देखिए देखिए नारद से बोलते हैं कि वजन तो चाहिए, आप इन सारी चीजों को नहीं समझते, मैं आपको समझाता हूँ। वजन के तौर पर यह सुंदर वीणा को भी उन दरख्वास्तों के ऊपर रखा जा सकता है। नारद थोड़ा घबराते हैं, उन्हें अपनी वीणा छीनती हुई नजर आती है, पर क्या करें, उन्हें भोला राम के परिवार के ऊपर भी दया आती है, तो वो अपनी वीणा साहब को दे देते हैं। जब वीणा को टेबल पर रख दिया जाता है तो साहब उन्हें बैठने के लिए कुर्सी भी देते हैं और चपरासी को बुला करके नारद की पेंशन फाइल को बुलवाया जाता है। पेंशन फाइल आती है तो उसमें 100-150 उस फाइल में 100-150 एप्लीकेशन दरख्वास्तें लगी हुई थी और उसमें पेंशन ऑर्डर भी आ चुका रहता है, पर चूंकि इस ऑफिस के लोगों को खिलाया नहीं जा रहा था इसलिए भोला राम को पेंशन का कागज नहीं दिया जा रहा था। वह नारद से भोला राम का नाम कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, बाबा जी क्या नाम बताया। नारद सोचते हैं कि शायद साहब ऊंचा सुनते हैं इसलिए जोर से बोलते हैं भोला राम। तभी आवाज आती है कि कौन, क्या पोस्टमैन आया है, मेरे पेंशन के कागजात आ गए हैं। इस आवाज को सुनकर साहब डर के मारे कुर्सी से लुढ़क जाते हैं। नारद भी चौंकते हैं और उन्हें तभी कुछ समझ में बात आती है। वह बोलते हैं, भोला राम तुम चलो, तुम्हारा स्वर्ग में इंतजार हो रहा है। तभी आवाज आती है, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। यहाँ पर व्यंग खत्म हो जाता है, पर व्यंग खत्म नहीं होता है। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर किसी ऑफिस से कोई भी काम करवाना चाहे तो वो सारे काम आसानी से हो ही नहीं पाते हैं। ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते एड़ियां घिस जाती हैं, पर फिर भी काम नहीं होते। जिस जगह पर आपने अपने जीवन के इतने सारे वर्ष दिए हो उस जगह पर भी, उस जगह से आपको अपना काम निकालने में बहुत मुश्किल हो जाती है। इन्होंने पौराणिक आख्यान को लेकर के पूरी कथा कही है और उसके माध्यम से समाज में जो भी विसंगतियां हैं, जहां जहां भी परेशानियां होती हैं, उन सबको उन्होंने अपने इस कहानी के माध्यम से इस व्यंग में डाला है। हरिशंकर परसाई व्यंगकारों में सबसे श्रेष्ठ व्यंगकार माने जाते हैं। आप यहाँ देखिए, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि स्वर्ग और नरक में भी निवास स्थान की समस्या हल हो गई है। या एक और ऊपर देखें कि कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक दिया जाता है। तो कर्म और सिफारिश, तो कर्म तो जो है तो है ही,
आप आज देखो कितने सारे प्रकरण खुलते चले जा रहे हैं कि योग्य व्यक्ति को उनकी योग्यता से कहीं ज्यादा ऊंचा पद मिला हुआ है, या कितने घोटाले आपके सामने आते चले जा रहे हैं। जब अब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो लगता है कि दुनिया में जब हम इतनी विकास की बातें करते हैं तो वो विकास कहाँ पर हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। एक नौकरी के लिए 25 बच्चे जाते हैं, पर मान लीजिए आपसे कम योग्य व्यक्ति या कम अंकों वाले कोई विद्यार्थी होगा, नौकरी के लिए कतार में लगा हुआ है और उसके पास तगड़ा सोर्स है तो उसको जॉब मिल जाएगी और आपके पास योग्यता होते हुए भी आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने इसके ऊपर भी व्यंग किया है। इसके बाद आप देखें, वकील हो, वकील और डॉक्टर के लिए तो कहा ही जाता है कि एक बार अगर इनके चक्कर में आप फंस गए तो ताउम्र फंसे ही रहते हैं, प्रकरण जल्दी सुलझते ही नहीं है या न्याय कभी समय पर मिलता ही नहीं है। राजनीतिक दलों के में भी आप देखिए, जब इलेक्शन होता है तो आपने आए दिन पेपर में पढ़ा होगा कि फला जगह के व्यक्ति को गोली से उड़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर वो आ गया तो ये हार जाएंगे, और सत्ता के प्यासे हर कोई होता है, सत्ता की भूख आसानी से शांत होती ही नहीं है। व्यक्ति के पास अगर रिश्वत देने के लिए होगा ही नहीं तो वो देगा कहां से? प्रश्न तो ये भी पैदा होता है कि ये भ्रष्टाचार आखिर जाकर कहां, किस हद तक, किस सीमा पर जाकर के खत्म होगा। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह पुलिस विभाग हो, चाहे डॉक्टर हो। अभी आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा कि लोग, एक डॉक्टर ने अपनी माँ को ही पागल घोषित इसलिए कर दिया कि उसे घर और संपत्ति चाहिए थी। तो पैसे को लेकर के रिश्ते भी दरकिनार कर दिए जाते हैं, मतलब रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, जो भी कुछ है पैसा पैसा और पैसा। ये कहानी यही खत्म होती है। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पैसा आपकी आत्मसंतुष्टि का साधन नहीं है। हम इस भ्रम में रहते हैं कि पैसे से सारी दुनिया को खरीद सकते हैं। चार लाइन सुनाती हूं आपको। कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत सगरी, कहां गए वह रंग महल अरु सुवरन की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रन में। तो आप देखिए कितने बड़े बड़े बादशाह हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, पर कोई भी इस मृत्यु लोक में आएगा तो उसे जाना ही पड़ेगा, और संपत्ति आपके साथ जा ही नहीं सकती, इसलिए संपत्ति को कैद करने का कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि नैतिकता को अपना करके सारी चीजों को हमें, लोगों के लिए जब तक हमारा जीवन है तब तक हमें भला करते जाना चाहिए। जब ईश्वर हमें सब कुछ देता है तो हम उसकी बनाई हुई दुनिया में उसके बनाए हुए बंधों को देने में क्यों कोताही करते हैं? क्यों ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारी ही उन्नति हो, बाकी और लोगों की उन्नति ना हो? पर दुनिया इस तरह से कभी चल ही नहीं सकती। आप कितना ही कुछ बटोरिए, कितना ही कुछ करिए, पर आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो? आपको व्याख्यान मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कहानी बहुत अच्छी है, व्यंग की विशेषता भी होती है कि उसमें थोड़ी सी नाटकीयता भी हो, व्यंग भी हो, चुटीलापन भी हो और संक्षिप्तता भी हो। और हरिशंकर परसाई तो कुशल व्यंगकार है ही, हिंदी के समर्थ हस्ताक्षर व्यंग लेखन में। हेलो मैडम जी, भोला राम की पत्नी का नाम क्या था? भोला राम की पत्नी का नाम उसमें कुछ नहीं लिखा है, बस उसमें कहानी में आया है स्त्री। तो उनके बच्चों का नाम भी नहीं आया है।
इसमें दो लड़के एक लड़की आए, तो भोलाराम की पत्नी और बच्चे के इसमें मत जाइए, वो तो इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी परिवार हो सकता है ना, कोई भी बच्चे हो सकते हैं, कोई भी बेटी हो सकती है, तो उसमें कहानी में कहीं भी नाम नहीं लिखा है, इसलिए आप जो चाहे रख लें, पर अगर एग्जाम में रख करके लिख देंगे तो उससे नंबर नहीं मिलेंगे, तो ना ही लिखे। एक और चीज आपने ध्यान दी होगी कि उन्होंने कहा है कि स्वर्ग और नर्क में निवास स्थान की समस्या कब से हल हो गई है, कागजों पर काम होता है, पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, पंचवर्षीय योजना समझ रहे हैं, पांच वर्ष की योजनाएं इंदिरा गांधी के जमाने में बनी है, तो उसमें विकास के नाम से ढेरों पैसा सेंक्शन होता था और पैसा कभी जिनको जरूरत है जिनके नाम से सेंक्शन होता था उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाता था और मिल भी नहीं पाता था। इस समय दुष्यंत का एक शेर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो पानी बीच में ठहर जाता है, विकास उस पर चलता रहता है, और कुछ और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? हेलो मैम। हाँ जी, बैंक किसे कहते हैं? क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछा बेटा आपने? व्यंग 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 व्यंग। हाँ, किसे कहते हैं? व्यंग किसे कहते हैं? यस मैम। आप कहाँ, किस कॉलेज से बोल रहे हैं? एसएन कॉलेज पीजी खंडवा से। खंडवा कॉलेज के बच्चे बोल रहे हैं। हमने व्यंग की परिभाषा लिखी थी, आपने नहीं देखी थी। व्यंग देखो, सच्चे और सार्थक व्यंग में वह ताकत होती है कि मूल्यों की आपदा पे, ये सब छोड़ देते हैं, व्यंग तो उसको कहते हैं जब हम किसी और के ऊपर किसी ढाल करके जब कोई बात कहते हैं तब उसको व्यंग कहा जाता है। पुलिस वाले से थोड़ी कहेंगे तुमने खाया है, पर हम किसी और को माध्यम बना के जो बात कहते हैं ना उसको व्यंग कहा जाता है। अंग्रेजी में सटायर कहते हैं, है ना? और कुछ? चलिए, एक कहानी मैंने पिछली कक्षाओं में भी सुनाई थी, आपको भी सुना देती हूँ, बहुत छोटी सी है। कुछ पूछना हो तो पहले वो पूछ लीजिए, और नहीं पूछना हो तो मैं सुनाती हूँ आपको। क्या करूँ, सुना दूँ मैं ही? हेलो। हाँ जी। हेलो मैडम, पीजी कॉलेज खरगोन से। हाँ बोलिए मैडम। भोला राम का जीव कहाँ पे छुपा था? फाइलों में, जब वो फाइल आती है ना। हाँ मैडम। साहब बुलवाते हैं, अफसर बुलवाते हैं ना, नारद किसके पास जाते हैं आखिरी में? बड़े साहब के पास जाते हैं, और भोला राम की फाइल बुलवाई जाती है, चपरासी लेकर के आता है, 100-150 पेज की फाइल उनकी तैयार हो चुकी थी, इतनी सारी एप्लीकेशन उन्होंने भेजी हुई थी, पर चूंकि वजन नहीं रखा था इसलिए उनका काम नहीं हो रहा था, और उसमें उनका पेंशन प्रकरण सुलझ भी चुका था, ऑर्डर आ चुका था, पर उन्हें दिया नहीं जा रहा था। तो जब नारद वो पूछते हैं ना कि बाबा जी क्या नाम बताया, तो नारद को लगता है कि शायद साहब ऊंचा सुनते हैं, वो जोर से बोलते हैं भोला राम, उसी समय आवाज आती है, तब वो कहते हैं भोला राम से चलिए तुम्हारा स्वर्ग में इंतजार हो रहा है। तो वो क्या बोलते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन तो यहीं लगा हुआ है। फाइल में से आवाज आती है, उसके मतलब वो वायु तरंग पर दूत लेकर के खड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, पर छूट करके आ गया, क्योंकि आत्मा तो वहीं अटकी हुई थी ना, आत्मा शांति से जाती कैसे, प्रकरण सुलझा नहीं था, इसलिए सारी चिंताएं सारी चीजें एक ही चीज को लेकर के चल रही थी, तो फाइल में भोला राम की आत्मा फाइल में छुपी हुई थी। थैंक यू। और कुछ? खंडवा को कुछ पूछना है क्या? हलचल दिखाई दे रही है। चलिए मैं ही सुनाती हूँ, सुनिए, बहुत छोटी सी है, पिछले दो क्लासेस में भी सुनाई है इसको, तो शायद हो सकता है आप तक आ चुकी हो। स्वर्ग और नर्क में बीच में पार्टीशन था, दीवार बनी हुई थी। हमने सबसे पहले कहा ना कि पूछा जाता है, नारद पूछते हैं क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई, तो बोलते हैं वो तो कब की हल हो गई, क्योंकि बहुत सारे गुणी कारीगर यहाँ पर चले आए हैं और उन्होंने
पूरा पैसा लिया और रद्दी सामान बनाया, उन लोगों की भी हाजिरी लगाई जो लोग कभी उसमें नहीं गए। चलिए खैर छोड़िए, तो वो यह है कि स्वर्ग और नरक के बीच में पार्टीशन था और वो पार्टीशन एक दीवार से था। अब चूंकि कारीगर तो यहीं के हैं, ओवरसीयर यहीं के हैं, तो माल कैसा होगा? बेकार ही होगा, दीवार टूट जाती है। जब दीवार टूटती है तो स्वर्ग वाले नर्क वालों से कहते हैं कि दीवार टूट गई है, आप दीवार बनवा दीजिए। तो नर्क के लोग कहते हैं कि हमें दीवार नहीं बनवानी। स्वर्ग वाले शरीफ होते हैं तो उन्होंने उस दीवार को बनवा दिया, रिपेयर करवा दिया। अब जब रिपेयर हुआ तो सीमेंट और चूना और ये सब कैसा होगा, सीमेंट कितनी डालनी चाहिए, सीमेंट कम लगे इसलिए रेत ज्यादा डाली गई, रेत ज्यादा डाली जाएगी तो आप आए दिन सुनते हो ना, कभी ब्रिज गिर जाते हैं, कभी बिल्डिंग गिर जाती है, सड़कें उखड़ जाती है, सारी चीजें। तो वहां की भी दीवार टूटनी थी, दीवार जो हुई वो फिर से टूट गई। तो स्वर्ग वालों ने उनसे कहा कि अब दूसरी बार दीवार टूटी है, पहली बार तो हमने बनवा दी थी, अब जब ये दूसरी बार टूटी है तो इसको आप बना दीजिए। तो नर्क वालों ने कहा कि हमें दीवार नहीं बनानी। तो स्वर्ग वालों ने कहा कि एक बार हमने बनाई, एक बार आप बनाई है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई दिक्कत है नहीं दीवार के टूटे होने से, आपको बनवाना है तो आप बनवा लीजिए। स्वर्ग वालों ने उस दीवार को फिर से बनवा लिया। तीसरी बार फिर से दीवार टूटी। जब दीवार टूटी तो उन्होंने क्या बोला स्वर्ग वालों ने नर्क वालों से कि अब दीवार आपको बनवानी चाहिए। तो उन्होंने कहा हम दीवार नहीं बनवाएंगे। तो उन्होंने कहा देखिए दो बार हमने बनवाई है, कम से कम एक बार तो बनवाना आपका फर्ज होता है, कम से कम दो और एक का रेशो तो चले। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं बनवाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर आप नहीं बनवाएंगे इस बार तो हम ये पूरा प्रकरण कहां ले जाएंगे, कोर्ट में लेकर के जाएंगे। तो उन्होंने कहा जरूर ले जाओ, सारे जज और वकील तो हमारे पास है, मतलब क्या होगा, फैसला भी न्याय भी बिकता है, न्याय की देवी अंधी देखी होगी ना अपने की आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है, हाथ में तराजू लिए हुए होती है। तो ये तराजू और पट्टी, तराजू तो ये है कि भाई उसको दिख ही नहीं रहा है किस तरफ पलड़ा झुक रहा है नहीं झुक रहा है, और पट्टी इसलिए बांधी जाती थी कि वो किसी को भी देख करके अन्याय ना करे। पर आज क्या होता है, न्याय का अन्याय हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। अशोक के जमाने की कहानी अगर आपको याद होगी कि एक जो मंत्री आए थे न्याय मंत्री, उन्होंने अशोक ने हत्या की थी, तो वैसा न्याय अब नहीं होता, न्याय भी बिकता है। अगर आप कई बार तो ये होता है जेलों में बेकसूर लोग सालों साल पड़े होते हैं क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनको देखने वाला सुनने वाला कोई होता ही नहीं है। और जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होती है, वो सरेआम बेल ले लेकर के घूमते रहते हैं। तो दुनिया में ये सारी चीजें बहुत चल रही हैं। चलिए आप किसी और को कुछ पूछना हो, व्याख्यान समझ में आया, कहानी समझ में आई? खंडवा के लोगों को कुछ पूछना है? नहीं पूछना? और कहीं के लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो? आपने पीछे किताब में देखा होगा ना, उसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स भी दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं, लेंदी भी दिए हैं। तो फिलिंदा ब्लैंक्स भी ही आएंगे आपको, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है इसे और लॉन्ग में पूछा ही जा सकता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है इसमें किस किस के ऊपर व्यंग किए गए हैं, तो आप देखना उसमें पहली लाइन से ही व्यंग शुरू होते हैं। एक तो सिफारिश है, फिर इसके बाद पुलिस के ऊपर भी व्यंग है, रेलवे वालों के ऊपर व्यंग है, वकीलों के ऊपर व्यंग है, सिफारिश के आधार पर काम होता वो तो है ही है, इसके बाद ऑफिस वालों के ऊपर भी है, मतलब नीचे के बाबू लोगों से लेकर चपरासी को भी अगर आप किसी ऑफिस में जाइए चाय पिलाइए तब वो आपका आपको रास्ता बता देगा, या ले जाइए उसको कुछ खिलवा पिलवा दीजिए किंचिंग में तो वो आपको बता देगा कि किस तरह से काम हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप उसमें देख लीजिए। चलिए हमारा समय यही खत्म होता है, धन्यवाद, नमस्कार।